आज मैं एक ऐसी साड़ी का रील्स लेके आई हूँ जो कि काफी पुराना था, बहुत ही पुराना। उस टाइम में उसको ऑर्गेंजा साड़ी बोला जाता था, बट आजकल के जो ऑर्गेंजा होते हैं ना, ये वाले, वो चीज नहीं था, वो अलग टाइप की साड़ी होती थी। ठीक है, तो पता नहीं उस टाइम में क्यों उसको ऑर्गेंजा बोलते हैं थे। आज के ऑर्गेंजा को देखती हूँ तो मुझे वो कहीं से भी ऑर्गेंजा नजर नहीं आता है, लेकिन वो साड़ी आज से 25-26 साल पुरानी साड़ी है। 26 साल हो गई उस साड़ी को, तो बहुत मन से पहना, बहुत अच्छा भी लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसका ना मतलब वो कपड़ा का ट्रेंड खत्म हो गया, या ओल्ड फैशन साड़ी हो गई, इस तरह का लगने लगा, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया था। और कितना, कोई भी साड़ी को आदमी कितना पहने, तो वो मेरा ससुराल के कबर्ड में यूं ही पड़ा हुआ था। ठीक है, इस बार मैं नवरात्रि में ससुराल गई तो मैंने सोचा चलो इसको ले जाती हूँ, कुछ रियूज वगैरह कर लूंगी, पहनूंगी तो नहीं रियूज हो जाएगा, तो वो साड़ी को मैं वापस लेके आ गई, अपने यहाँ लेके आई, अपने पास लेके आई। फिर मैंने जब उसको खोला तो वो पूरी साड़ी में जो है वो पूरी साड़ी थोड़ी थोड़ी मतलब रखे ही सही, वो क्या हो गया था ना, पूरी साड़ी में हल्की हल्की कहीं ना ऐसे होल सा बन गया था, बिल्कुल ही छोटा छोटा सा ना होल सा बन गया था। पता नहीं, मैं उस साड़ी से जो है बहुत ही खूबसूरत सा एक पूरी साड़ी नहीं निकल पाई उसमें, तो पूरे बहुत इससे मैंने आपको ये साड़ी दिखाई थी किसी वीडियो में मैंने आपको ये साड़ी दिखाई थी कि मेरे पास ये साड़ी है और इसका यूज करूंगी, तो उससे मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन इसमें कपड़ा सही से नहीं निकल पाया। तो ये देखिए, ये साड़ी जो थी फ्रेंड, वो इस तरह की साड़ी थी, ये देखिए इस तरह की साड़ी थी, नीचे भी और ऊपर भी ये वाला बॉर्डर था इसमें, देखिए ये बॉर्डर था इसका नीचे भी और ऊपर भी, और बीच में कहीं कहीं पे ये लाइन था। ठीक है, बीच में कहीं कहीं पे ये लाइन था, और इसका पल्ला जो था वो ग्रीन कलर का मटका जैसा मटका डिजाइन बना हुआ था ग्रीन कलर के पल्ले पे, तो वो पल्ला जो है वो भी खराब हो गया था, उसमें ना दाग लग गए थे, वो कीड़ा जो लगा होगा ना या कुछ हुआ होगा, तो उसकी वजह से उसमें ना ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ गया था, तो वो भी खराब हो गया था, तो वो भी मैंने उसको हटा दिया। ठीक है, तो वो था, तो मैंने सोचा लेकिन बीच का कपड़ा अच्छा निकल रहा था। अब देखिए ये कपड़ा जो है फ्रेंड, मैं पहले आपको कपड़ा ही दिखा दूं, ये देखिए ये कपड़ा है, ये देखिए कपड़े, मुझे उतना पहचानने नहीं आता है, लेकिन उस टाइम में इसको ऑर्गेंजा बोलते थे, ऑर्गेंजा की साड़ी बोलते थे 25-26 साल पहले, तो इसको ऑर्गेंजा की साड़ी बोलते थे। हाँ, कपड़ा भी ऑर्गेंजा ही है बट सॉफ्ट वाला ऑर्गेंजा है, आजकल का ऑर्गेंजा जो है वो हार्ड वाला ऑर्गेंजा है, फैला फैला सा होता है वो वाला, वो इस तरह का नहीं, ये सॉफ्ट वाला है। तो इसको मैंने क्या किया, ये पल्ले के बाद थोड़ा सा पोर्शन जो था वो थोड़ा इतना ज्यादा कढ़ाई वाला था, जो कि खास करके पल्ले के साथ आता है ना ड्रैप करने के लिए, वो पल्ला पोर्शन ये था, तो ये चीज था, और कलर बहुत सुंदर था, तो मुझे कलर बहुत अच्छा लग रहा था, कलर वैसे भी मुझे ये सब कलर बहुत पसंद है, तो मैंने क्या किया इससे ना एक सिंपल सी कुर्ती बना ली। ठीक है, इसके इससे देखिए ये सिंपल सी कुर्ती बना ली, वैसे इस कलर के मेरे पास पैंट भी पड़े हुए हैं। ठीक है, मैंने एक कुर्ता बनाया था उसमें इस कलर का पैंट बनाया था, और उसमें गोल्डन का सिंपल सा गोल्डन का ऐसे बॉर्डर था, तो या तो उसके साथ भी हम डाल सकते हैं इसको, या फिर हम गोल्डन दुपट्टे के साथ इसके प्लाजो के साथ या ग्रीन कलर के प्लाजो के साथ भी हम इसको डाल सकते हैं। और इस बॉर्डर को हमने यहाँ पे देखिए, ये आपको ज्वाइंट दिख रहा होगा, इस बॉर्डर को हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया ताकि इसको इसका लुक मिल जाए, इस बॉर्डर का ये चौड़ा सा बॉर्डर जो था आ रहा था इसका, इसको मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, तो ये है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये कुर्ता बन गया, और इसको मैंने इस तरह से बनाया है कि ये जो है वो कॉलर भी इस तरह से दिया, और नेक भी मेरा आगे इस तरह का देके इसको बनाया है, और लंबाई पूरी ली है मैंने, आगे भी देखिए एक लाइन आ रहा है बिल्कुल मिडिल में, और पीछे भी इसका जो है ना वो सिर्फ एक लाइन मिडिल में आ रहा है, बस यही एक लाइन मिडिल में आ रहा है, क्योंकि वो भी मुझे सीधा ही लेना था, ऊपर की तरफ ही मुंह है तो ऊपर की तरफ ही करके इसको एडजस्ट करना था, तो इसकी वजह से ये जो था है ना वो बिल्कुल ही एक लाइन में ही बन सकता था इस तरह से, तो मैंने इसको इस तरह से बनाया है। तो ये कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, इस तरह से ही निकल पाया, इसका जो पल्लू वगैरह है वो कहीं रखा है, मैं कभी निकालूंगी दिखा दूंगी आपको, क्योंकि उसका बिल्कुल काम का नहीं था तो मैंने उसको संभाल के नहीं रखा, उधर ही कहीं रखा हुआ है, और फुल लुक है ये देखिए, इसका ये फुल लुक तैयार है, तो इस तरह से ये बनके हमारा कुर्ता तैयार हुआ है। तो कुर्ता भी बन गया, तो चलो कुर्ते का भी बहुत ये काम आता है ना, कभी गोल्डन के साथ पहन लो, कभी ग्रीन के साथ पहन लो, ग्रीन के साथ भी पहनूंगी इसको तो बहुत अच्छा आएगा, और ग्रीन स्कर्ट के साथ, यदि बिल्कुल इसको स्ट्रेट कुर्ती बनाया है मैंने, तो इसको यदि आप ग्रीन के साथ भी पहनेंगे हम ना, ग्रीन स्कर्ट के साथ भी पहने तो बहुत अच्छा लगेगा, या फिर गोल्डन के साथ भी पहनते हैं तो भी बहुत अच्छा जाता है। मैं इसको आपको वियर करके दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड ये कैसा लगा आपको, ये ड्रेस देखिए, ये मैंने वियर करके आपको दिखा रही हूँ, मैं पूरा ही इसका इस तरह का लुक आया है,
इस सूट का, तो ये इस दुपट्टे के साथ गोल्डन दुपट्टे के साथ आप इजली ले सकते हैं, वो भी गोल्डन नेट के नेट का दुपट्टा। ये देखिए, ये इसका मैं फुल लुक आपको दिखा रही हूँ। ये फुल लुक देखिए इसका, इस तरह से काफी अच्छा सा सूट ये हमारा बनके तैयार हुआ है। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा फ्रेंड, ये कैसा पसंद आया आप लोगों को या नहीं। ये देखिए इस तरह से ये सूट हमारा, और पीछे इसका मैंने ये वाले नेक डाले हैं, वैन नेक डाले हैं, ठीक है। इस तरह का ये पार्टी वेयर सूट हमारा बनके तैयार हुआ है। गोल्डन के साथ पहनिए, ग्रीन के साथ पहनिए। इसके बाजू पे मैंने ये ज्यादा कढ़ाई जो था वो मैंने बाजू पे ले लिया है, इसके जस्ट बाद वाला पल्ले के जस्ट बाद वाला पोर्शन, और ये लेके मैंने इसमें अटैच कर दिया है बॉर्डर बाजू का, और नीचे भी आगे पीछे दोनों ही मैंने इसका बॉर्डर लिया है, सूट का बॉर्डर लिया है आगे पीछे दोनों ही। ये देखिए, ये आपको इसका बॉर्डर यहाँ भी दिख रहा होगा, ऐसे ही आपको पीछे भी बैक में भी दिखेगा। तो इस तरह से लिया है, और ये गोल्डन दुपट्टे के साथ और गोल्डन पैंट के साथ मैंने इसको वियर किया है। कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, सी यू।